हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू भर्ती 2023 इन राजस्थान से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। दोस्तों, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर सहित प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के कुल 35 पदों के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी किया है। पहले ऑनलाइन आवेदन की जो डेट थी वो 30 जून 2023 थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने संशोधित विज्ञापन जारी करके इस डेट को बढ़ा दिया है। अब आप 25 जुलाई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मई डॉक्यूमेंट्स के यूनिवर्सिटी में 31 जुलाई 2023 तक जमा करा सकते हैं। तो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या निर्देश हैं, कौन व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकता है, पूरी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो देखना के अंदर किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं, किस कैटेगरी के लिए वो आरक्षित हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये आपका इंस्टीट्यूट है लॉ, ठीक है, लॉ इंस्टीट्यूट के अंदर सब्जेक्ट है लॉ। तो इसमें आपके टोटल जो पोस्ट है वो 3 है। असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पोस्ट है, ये महिला के लिए, ये यूआर है। यूआर का मतलब होता है अनरिजर्व्ड, यानी अनारक्षित, यानी इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और एक पोस्ट है ये एससी के लिए है, एक पोस्ट एसटी के लिए है, एक पोस्ट ओबीसी के लिए है। इस प्रकार से टोटल इसमें 4 पोस्ट है, ठीक है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बताऊंगा सिर्फ, बाकी नहीं बताऊंगा, बाकी आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। और लॉ डिपार्टमेंट में इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है वो टोटल 1 पोस्ट है। ये पोस्ट है एससी की महिला की, ठीक है। एससी की महिला कैंडिडेट सी इसमें आवेदन कर सकती है। लॉ डिपार्टमेंट में ही पॉलिटिकल साइंस जो है इसकी भी 1 पोस्ट है, और ये 1 पोस्ट जो है ये है एसोसिएट प्रोफेसर की है ओबीसी के लिए, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं है, पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर की है। अब आ गया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स, इसमें सब्जेक्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग, ठीक है। तो इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की 3 पोस्ट है, ये अलग अलग आप देख सकते हैं। एक पोस्ट जो है वो तीन पोस्ट जो है वो यूआर है, यानी अनरिजर्व्ड है, कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। ये आ गया अगला इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें सब्जेक्ट है होम साइंस। तो होम साइंस के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है वो आपके सामने देख सकते हैं आप, 3 पोस्ट है, 2 इसके अंदर अनरिजर्व्ड है जिसमें 1 महिला के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है, और 2 पर बाकी कोई भी अप्लाई कर सकता है। फिर अगली जो पोस्ट आ गई असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये आ गई बेसिक साइंस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 पोस्ट हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक पोस्ट जो है ये है इसके अंदर महिला के लिए आरक्षित। कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी है इसके अंदर आपके लिए ओबीसी, ठीक है। एक पोस्ट महिला ओबीसी के लिए आरक्षित है, और दूसरी जो पोस्ट है ये EWS के लिए। अगला जो आपका आ गया इंस्टीट्यूट, ये कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है वो 1 पोस्ट है, और ये अनरिजर्व्ड है, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट और उनके अंदर किस किस सब्जेक्ट के अंदर कितनी कितनी पोस्ट है, किस कैटेगरी के अंदर है, वो आप इसमें देख सकते हैं। महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं वो मैं आपको इसके अंदर बताऊँगा, पूरे निर्देश नहीं बताऊंगा क्योंकि 19 पृष्ठों का ये विज्ञापन है, 19 पृष्ठों का, इसलिए मैं सिर्फ आपको बेसिक बेसिक बातें जो है वो बता रहा हूं। सबसे पहले इसके जनरल जो टर्म्स और कंडीशन है वो मैं आपको बता रहा हूं, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन। तो पहली बात क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आवेदन क्या कर किस प्रकार से करना है, ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करना है, पहली बात। दूसरी बात, ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी आपको यूनिवर्सिटी में जमा करानी है, हार्ड कॉपी व्यक्तिगत रूप से भी जमा करा सकते हो, बाई पोस्ट भी जमा करा सकते हो, ठीक है। हार्ड कॉपी के साथ में आपको अपने सभी जो शैक्षणिक दस्तावेज हैं, प्रशैक्षणिक दस्तावेज हैं जिसमें एक्सपीरियंस वाला है, पेपर पब्लिकेशन वाला है, कास्ट सर्टिफिकेट है या अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे जो है उनकी फोटोकॉपी जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड करनी है, और सेल्फ अटेस्टेड करके और फॉर्म के हार्ड कॉपी के साथ में लगानी है, और जिस लिफाफे के अंदर आप वो फॉर्म डाल रहे हो उस लिफाफे के ऊपर साफ साफ अक्षरों में आपको लिखना है, क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ
यहाँ पर आपको पोस्ट का नाम लिखना है, ठीक है, इन फिर आगे सब्जेक्ट का नाम लिखना है, यानी फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ और विषय आ गया लॉ, ठीक है, इस प्रकार से। तीसरी बात महत्वपूर्ण क्या है कि आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से आवेदन फॉर्म में लिखना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको जो भी सूचना दी जाएगी वह ईमेल के जरिए या एसएमएस के जरिए ही प्रदान की जाएगी, ठीक है। चौथी बात जो इसमें महत्वपूर्ण है, टर्म्स एंड कंडीशन में अगर किसी विषय में 15 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जाता है, उस स्थिति में यूनिवर्सिटी चाहे तो उस विषय के लिए रिटर्न टेस्ट यानी लिखित परीक्षा भी आयोजित करा सकती है, ठीक है, वरना तो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर निर्भर करेगा। सिलेक्शन कमेटी जो है वो किस प्रकार से आपका सिलेक्शन करती है, इंटरव्यू परफॉर्मेंस के आधार पर भी आपका सिलेक्शन कर सकती है और एपीआई स्कोर के आधार पर भी आपका सिलेक्शन कर सकती है, या दोनों मिलाकर के भी आपका सिलेक्शन कर सकती है, ठीक है। एपीआई स्कोर का मतलब आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो किस प्रकार से, वो आगे आपको बताऊंगा, उसके बेस पर प्लस इंटरव्यू के अंदर परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर जो है आपका सिलेक्शन किया जा सकता है। बात आवेदन पत्र आने पर है, ज़्यादा आवेदन फॉर्म आएंगे तो उनके भाव बढ़ जाएंगे, वो चाहे जिस प्रकार से फिर वो करेंगे, और कम आवेदन आते हैं तो फिर उनको उन्हीं के अंदर से लेना पड़ता है, इसलिए उनकी भी मजबूरी बन जाती है, ठीक है। अगला जो इसमें पॉइंट क्या है कि इंटरव्यू के समय आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के जाने हैं, ठीक है। और लास्ट जो इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जो भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, चाहे SC है, ST है, OBC है, EWS है, MBC है, ठीक है, इनको अपनी कैटेगरी का जो है वैलिड जाति प्रमाण पत्र भी साथ में लेकर के जाना है, ठीक है। और वैलिड जाति प्रमाण पत्र साथ में लेके जाने का मतलब ये है कि वो जिस निर्धारित तिथि के अंदर बना हुआ होना चाहिए, ऑनलाइन आवेदन से कितने टाइम पहले का बना हुआ होना चाहिए, उस नियमों के अकॉर्डिंग वो जो आपको साथ में लेकर के जाना है, ठीक है। तो ये जो आवेदन पत्र है पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में जमा कराने की जो है अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2023, और ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 25 जुलाई 2023। ये टर्म्स और कंडीशन आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं, पूरा विस्तृत विज्ञापन है, आप इनको पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने बेसिक बेसिक जो बातें हैं वो इसके अंदर आपको बताई है। अब देखिए ये एप्लीकेशन फीस की फॉर्म भरने की जो फीस है वो कितनी है, तो कैटेगरी, इधर कैटेगरी है, इधर एप्लीकेशन फीस है। जनरल, अदर, बैकवर्ड क्लास, क्रिमिलेयर, इनकी जो फीस है वो है 1,000 रुपये, ठीक है। SC ST OBC नॉन क्रिमिलेयर ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं SC ST OBC नॉन क्रिमिलेयर के, उनकी फीस है 500 रुपये, और अदर जो स्टेट है उनकी उनकी जो फीस है फॉर्म फीस वो है 1,000 रुपये। ये स्पेशली एबल्ड पर्सन, ठीक है, दिव्यांग अप्लीकेंट जो है इनकी फीस है 200 रुपये। अब ये जो निर्देश है, इफ द एप्लीकेशन बिलोंगिंग टू SC ST OBC कैटेगरी ऑफ ए स्टेट अदर देन राजस्थान, ही सी विल बी कंसिडर्ड इन जनरल कैटेगरी, दे हैव टू सबमिट एप्लीकेशन फीस एज पर जनरल कैटेगरी, यानी राजस्थान से अलावा अगर किसी स्टेट का अभ्यर्थी जो SC ST OBC कैटेगरी का जो अभ्यर्थी है वो इन इन आवेदन कर रहा है, तो क्या होगा, उसको जनरल कैटेगरी के अंदर ही माना जाएगा और उसकी फीस जो है वो जनरल कैटेगरी की जो फीस है 1,000 रुपये वही ली जाएगी, ठीक है। फीस जो आपको किसी भी कंडीशन में वापस नहीं लौटाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद में देख सकते हैं ये और निर्देश हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हैं, बाकी महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको इसके अंदर बताई है। और इसके बाद में एलिजिबिलिटी देखिए कि कौन अभ्यर्थी जो है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, तो ये प्रोफेसर की अलग है, सेक्शन ए में प्रोफेसर की है, ये आप पढ़ लीजिए, मैं सिर्फ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की बताऊंगा, ये सेक्शन बी के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर की योग्यता है, ठीक है, और ये सेक्शन सी इसके अंदर है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता।
तो जो भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो लॉ हो, चाहे ड्राइंग और पेंटिंग हो, चाहे होम साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए क्या योग्यता है वो आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें पहली बात, सबसे पहली बात क्या है कि आपके पास में जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसके अंदर 55% मार्क्स कम से कम आपके होने चाहिए, ठीक है। मास्टर डिग्री यानी पीजी, उस सब्जेक्ट के अंदर आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। अब इसके साथ में और क्या कंपलसरी है, इसके साथ में और आपके पास में यूजीसी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट, वो आपका क्लियर होना चाहिए। या अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर आप की जो स्टेट लेवल की पात्रता परीक्षा है सेट या स्लेट, ये क्लियर होनी चाहिए। अगर ये भी क्लियर नहीं है तो आपके पास में पीएचडी की डिग्री या एमफिल की डिग्री जो है वो होनी चाहिए। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि पीएचडी या एमफिल की जो डिग्री है वो उन्हीं अभ्यर्थियों की मान्य होगी जिनकी यूजीसी रेगुलेशन 2009 या फिर 2016 के अकॉर्डिंग जिन्होंने प्राप्त की है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग जिन्होंने पीएचडी या एमफिल की है उन्हीं की डिग्री जो है वो वैलिड होगी, वरना वैलिड नहीं होगी। अब 2009 या 2016 रूल्स के अकॉर्डिंग आपने प्राप्त की, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो टर्म्स और कंडीशन है ये आपने फुलफिल की है या नहीं, पीएचडी आपने की है तो उसके दौरान ये कंडीशंस जो है आपने पूरी की थी या नहीं की थी। अगर इन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने पीएचडी की है या एमफिल की है तो आपकी वैलिड है, वरना वैलिड नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक चीज महत्वपूर्ण और है कि जिन विषयों के अंदर यूजीसी के द्वारा नेट सेट या स्लेट, ठीक है, वो कंडक्ट नहीं कराई जाती है, स्टेट लेवल की पात्रता परीक्षा हो या चाहे यूजीसी की पात्रता परीक्षा हो नेट या फिर स्टेट की स्लेट या सेट, तो जिन सब्जेक्ट में और मास्टर डिग्री प्रोग्राम के अंदर वो ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट नहीं कराई जाती है उन सब्जेक्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर ये योग्यता आपके लिए ज़रूरी नहीं है। फिर वहाँ पर सिर्फ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री और उसके साथ में 55% होना यही नेसेसरी कम जो है एलिजिबिलिटी मानी जाएगी, ठीक है। और आपका जो सिलेक्शन है वो एपीआई स्कोर के बेस पर किया जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये क्या है, किस प्रकार से है, आगे आपको इसमें बताऊंगा पूरी ये डिटेल, आप पढ़ लीजिए। मैं सिर्फ आपको महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं वो ही बता रहा हूँ। ये सब्जेक्ट वाइज कंडीशन है अलग अलग, किस सब्जेक्ट में और क्या स्पेशल आपके पास में होना चाहिए, उन योग्यताओं के अलावा और क्या योग्यता आप में होनी चाहिए, तो वो भी इसमें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग स्पेशलाइजेशन दे रखा है, ये आप इसमें पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं सिर्फ मेन बात जो है वो ही आपको बता रहा हूँ, बाकी ये पूरा विज्ञापन है। तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से और आप में क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्या स्पेशलाइजेशन आपके अंदर होना चाहिए, वो भी इसमें दिया हुआ है। बाकी बेसिक बातें जो है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। बेसिक बातें वही हैं, ये तो बाकी यूनिवर्सिटी के नियम रेगुलेशन निर्देश वगैरह होते हैं। ये टेबल 3A आपके लिए ये लागू होगी, ठीक है। ये टेबल 3A ये आपके लिए लागू होगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी ये जो है आपका स्कोर कार्ड जो तैयार किया जाएगा, एपीआई स्कोर कार्ड जो तैयार किया जाएगा वो इस टेबल के अकॉर्डिंग जो है तैयार किया जाएगा और इसके अकॉर्डिंग ही फिर आपको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। इसमें जो टॉप मेरिट वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनको शॉर्ट लिस्टेड करके और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, या फिर इंटरव्यू नहीं रखते हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये 100 नंबर का है टोटल, जो आपका एपीआई स्कोर कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है। उस 100 नंबर में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा,
तो ये आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन का एकेडमिक जो रिकॉर्ड है इसमें आपको कितना स्कोर मिलेगा, कितने परसेंट पर स्कोर मिलेगा, कितना मिलेगा वो देखिए। अगर आपके ग्रेजुएशन में 80% या इससे ज़्यादा है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, अगर 60% से ऊपर है और 80% से कम है तो आपको 13 मार्क्स मिलेंगे, अगर 55% से ऊपर है और 60% से कम है तो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर 45% से ऊपर और 55% तक हैं, कम है 55% से, तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, ये तो आपके जुड़ेगा यूजी के मार्क्स। फिर पीजी जो है पोस्ट ग्रेजुएट के नंबर किस प्रकार से जुड़ेंगे, स्कोर किस प्रकार से बनेगा, 80% से ऊपर अगर आपके हैं पीजी के अंदर तो 25 नंबर आपको दिए जाएंगे, 60% से ऊपर और 80% से नीचे हैं तो 23 नंबर दिए जाएंगे, और 55% से ऊपर और 60% से कम है तो आपको कितने 20 नंबर दिए जाएंगे। लेकिन एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर पीडब्ल्यूडी ये जो अभ्यर्थी हैं इनके अगर 50% से लेकर के 60% से कम है तो भी इनको 20 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपने एमफिल कर रखी है तो आपके 60% से अगर ऊपर नंबर है तो 7 नंबर दिए जाएंगे, और 55% से ऊपर और 60% से नीचे हैं तो 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आपको 30 नंबर दिए जाएंगे, नेट विथ जेआरएफ कर रखी है तो 7 नंबर दिए जाएंगे, अकेली नेट कर रखी है तो 5 नंबर दिए जाएंगे, और नेट या सेट आपने कर रखी है तो 3 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, रिसर्च पेपर अगर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश्ड आपने कराया है तो एक पेपर के 2 नंबर आपको दिए जाएंगे, और टोटल अधिकतम जो है 5-10 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, 2 मार्क्स ईच रिसर्च पब्लिकेशन, यानी अधिकतम आप 5 पेपर ही पब्लिश्ड इसमें दिखा सकते हो, वो ही साथ में लगा सकते हो। फिर टीचिंग जो एक्सपीरियंस है तो इसके अंदर भी आपको अधिकतम 10 नंबर दिए जा सकते हैं, 1 साल के आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, तो अधिकतम 5 साल के का ही एक्सपीरियंस आप इसमें दिखा सकते हो। एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फिर आपको ये नंबर नहीं मिलेंगे इसमें। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। अवार्ड्स के अंदर भी इसमें नंबर दिए जाएंगे, जैसे आपने इंटरनेशनल या नेशनल कोई अवार्ड हासिल किया है तो 3 नंबर हैं, स्टेट लेवल का कोई अवार्ड हासिल किया है ठीक है तो आपको ये 3 नंबर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस प्रकार से टोटल जो है टोटल आपका किस प्रकार से बनेगा वो भी देख सकते हैं। अगर आपने एमफिल भी कर रखी है और पीएचडी भी कर रखी है तो आपको 30 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे, अगर आपने नेट भी कर रखी है, जेआरएफ भी कर रखी है, सेट या स्लेट भी कर रखी है तो आपको 7 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, और कोई भी अवार्ड है, चाहे राष्ट्रीय अवार्ड है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय है, चाहे स्टेट लेवल का है, तो आपको 3 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। इस प्रकार से टोटल जो आपका एपीआई कार्ड जो तैयार किया जाएगा वो इस प्रकार से किया जाएगा। देखिए एकेडमिक स्कोर क्या, आपको टोटल जो है अधिकतम 80 नंबर दिए जाएंगे, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के आपको रिसर्च पेपर पब्लिकेशन और टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको 10 नंबर प्लस 10 नंबर, यानी पेपर पब्लिकेशन के 10 नंबर, रिसर्च टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 नंबर, इस प्रकार से 20 नंबर हो गए तो टोटल हो गया 100 नंबर। तो एपीआई स्कोर 100 नंबर का होगा जो इस प्रकार से बटा हुआ है, एकेडमिक स्कोर 80 नंबर का, रिसर्च पेपर के 10 नंबर अधिकतम, टीचिंग एक्सपीरियंस के अधिकतम 10 नंबर, और इस बेस पर आपका स्कोर कार्ड तैयार किया जाएगा और फिर आपको जो है इंटरव्यू कॉल किया जाएगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। ये एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेबल 2, ठीक है, उनका स्कोर कार्ड इसके आधार पर तैयार होता है। ये आप देख सकते हैं यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग है, तो कॉलेजों के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी चाहिए, और आरपीएससी की भर्ती जो है कॉलेज लेक्चरर को लेकर के विवाद भी इसी कारण से है कि यूजीसी रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग एपीआई स्कोर से जो है अभ्यर्थी का सिलेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन आरपीएससी ने एपीआई स्कोर का कोई उसमें प्रावधान नहीं किया है, उस वजह से उसमें वो विवादों के अंदर घिर सकती है। तो पूरी चीज़ें मैंने इसके अंदर आपको बता दी है, ये अदर्स इन्फॉर्मेशन है, आप चाहो तो इनको भी पढ़ लीजिए। ठीक है, ये मैंने पूरी आपको चीज़ इसके अंदर बता दी है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप छोटी वैकेंसियों से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, अपडेट देखना चाहते हैं, तो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है सेखावाटी लेक्चर, उसका जरूर विजिट कीजिएगा और उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।